हेलो चौ, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन देखा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझा हमने कि इस एक्सरसाइज में आखिर हमको करना क्या है। हमको परिमाण पता होना चाहिए, परिमाण कैसे निकालेंगे, ठीक है। और अगर हमको बोला है अनुदिश मात्रक सदिश करना है, सदिश अनुदिश मात्रक बोल दिया, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो सब हम पीछे सीख चुके हैं। और दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं वो भी हमने पीछे देख लिया। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है दर्शाइए कि सदिश 2 कैप i - 3 कैप j प्लस 4 कैप k, और फिर आपको दे रखा है एक और सदिश, बोला है संरेख है या नहीं है। तो पहला काम हम इसको a मान लेंगे, सदिश a, और इसको मान लेंगे सदिश b, या फिर वेक्टर a बोल सकते हैं, वेक्टर b। संरेख दिखाने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, वेक्टर a बराबर इसको बोलेंगे लैम्डा वेक्टर b, ठीक है। अगर हमारा जो भी दो सदिश दे रखे हैं वो इस फॉर्म में आ जाते हैं, यानी हमको लैम्डा का मान कुछ ना कुछ मिल जाता है, तब हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, संरेख है। क्लियर है? तो देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले में हम कैसे इनको फिट बैठाने वाले हैं। पहला काम है इनको मान लेंगे, माना ए वा बी, माना वेक्टर ए 2i - 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी यहाँ से हम ले लेते हैं -4i। अब आपको ये तो पता है एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत अच्छे से आप सीख ही चुके होंगे अब तक, -8k, ठीक है। और अब हम लिखेंगे कि यदि कोई दो सदिश संरेख होंगे, जब अभी मैंने आपको एक कंडीशन बता दी, फॉर्मूला बता दिया है, तो लिखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी सदिश होंगे जब, कब होंगे वेक्टर सदिश सॉरी संरेख कब होंगे, सॉरी सदिश की जगह हमने क्या लिखना है, संरेख लिखना है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख होंगे, वेक्टर ए व वेक्टर बी संरेख होंगे जब वेक्टर ए बराबर होगा लैम्डा वेक्टर बी, यानी हमको कुल मिला के यहाँ पे लैम्डा का मान निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम रखें सिंपल मान रखें वेक्टर ए और किसका, वेक्टर बी का, तो सिंपल देखो अगर हम यहाँ से बात करें वेक्टर ए को भी, हम इसमें देखो मान ना रख करके हम सीधा देखते हैं कंपेयर करेंगे, लैम्डा वेक्टर बी का मान अगर हम रखें यहाँ पर इधर, चलो इसको हम एक साइड में देख लेते हैं, वेक्टर बी अगर हम देखें, वेक्टर बी से हमें कुछ कॉमन मिलेगा क्या, अगर आप देखेंगे देखो -4i है प्लस 6j है और -8k है, क्या हमको यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल मिल रहा है, दो 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 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा, देखो दो जब कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा हमारे पास 2i प्लस 3j और -4k, ठीक हो गया। और अगर आप यहां से माइनस कॉमन निकाल दें तो माइनस का 2 बन जाएगा, और ये जो फर्स्ट वाला है वो रहेगा आपका कैसा, देखो ये माइनस का था प्लस बन जाएगा अंदर, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस। अगर हम इसको देखें 2i - 3j, देखो 2i - 3j प्लस 4k, ठीक हो गया। तो उस कंडीशन में हमारा ये बन के आ गया इक्वेशन। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए लैम्डा का मान कितना है, -2, और इधर हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर बी, ठीक है। देखो जब हमने कंपेयर किया यहाँ पर हमने देखा कि हमको क्या कॉमन मिला है, तो आपने देखा 2 कॉमन, माइनस का 2 हमने कॉमन निकाल दिया, जब -2 कॉमन निकाला हमको वापस क्या मिल गया, वेक्टर ए मान मिल गया। तो जब दोनों मान के आ गए हैं बराबर आ गए, यानी वेक्टर ए और बराबर क्या है वेक्टर बी, कॉमन निकालने के बाद जब ये दोनों बराबर हो गए तो जो कॉमन निकला वो हमारा किसका मान हो जाएगा, लैम्डा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है, संरेख है, अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी क्या है, संरेख है, ठीक है। जब संरेख है और लैम्डा का मान कितना है, जहां
लैम्डा बराबर -2 है, ठीक है। इस आपको कुछ ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं, सिंपल देखो। अगर हम बेसिक से देखें, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लिया, दो जो सदिश दे रखे थे। फिर जब सरने ये सरने कब होंगे, जब हमारे इस फॉर्म में ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। दोनों जो इक्वेशन है, दोनों सदिश है, इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो हमने देखा कि हमको बी वाला जो वेक्टर बी है या बी सदिश है, तो उसमें हमको क्या मिला, माइनस का 2 कॉमन निकाला, वापस हमको वेक्टर ए वाली कंडीशन देखने को मिल गई। तो हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर जो कॉमन निकला उसको लैम्डा की जगह रखा, बाकी वेक्टर भी वैसे का वैसे आ गया। तो लास्ट में हमने क्या दिखा दिया कि सनरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक कोसाइन या फिर दिक कोजाइन बोल सकते हैं आप, और बहुत ही ईजी है, पीछे हम देख चुके हैं दिक कोजाइन निकालना, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल लिख लेते हैं इसको कि सदिश और इसको मान लेते हैं क्या वेक्टर ए, वेक्टर ए हो गया हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 3k। क्या मुझे यहां से एक्स वाई जेड का मान बता सकते हैं, इजी होगा अगर हम देखें इसको, अगर हम कंपेयर करें एक्स आई से प्लस वाई जे से प्लस जेड के से, और यहाँ पे आप लिखेंगे तुलना करने पर। ये पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे नया पार्ट है, नई वीडियो है, इसलिए यहाँ पे फिर देखो x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3, ठीक हो गया। अब हमको निकालना है क्या है, दिक कोजाएं निकालना है। तो दिक कोजाएं निकालने से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मॉड a निकाल लेते हैं। तो मॉड ए निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, मॉड यानी परिमाण निकालेंगे हम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 कितना आ जाएगा 14, 14, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम दिक कोजाएं, दिक कोसाइन या फिर दिक कोजाएं आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले L के लिए आ जाएगा, L, M और N, फॉर्मूला हमारा होता है x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये जो रूट में है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वही अभी हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। देखो x यानी 1 का स्क्वायर किया, वाई 2 का स्क्वायर, जेड 3 का स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब x का मान देखो कितना है यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1 बट्टे में कितना रूट 14, एल के बाद आ जाएगा आपका एम, यहाँ पर आ जाएगा वाई, बट्टे में पूरा सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई का मान ऊपर ना 2, वाई का मान बच्चों कितना है 2, बट्टे में कितना रूट 14। ऐसी थर्ड वाला देख लेते हैं एन, फॉर्मूला सेम ही रहेगा यहाँ पर, जेड बट्टे में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड का मान बताओ जल्दी से कितना है ऊपर 3, तो आ जाएगा 3 बट्टे में रूट 14, ठीक है। और यही हमारी क्या है वेक्टर ए की, यानी वेक्टर ए की दिक कोजाएं हैं या दिक कोसाइन है। तो कौन कौन सी आ गई, 1/√14, 2/√14, 3/√14। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस पर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा है बिंदुओं 1, 2, -3, -1, -2, 1 को मिलाने वाले ए बी, ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, सिंपल वही है, ए और बी दे रखा है, तो इसका हम निकालेंगे पहले वेक्टर ए इंटू बी, ठीक है। और वो आपको निकालना अच्छे से आ चुका है अभी तक, वेक्टर ए इंटू बी। फिर उसके बाद फिर हम उसका मॉड निकाल लेंगे, यानी मॉड में वेक्टर बी, और फिर उसके बाद हमको पता है एल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या, जो भी इसकी एक इक्वेशन बन के आएगी वो एक्स का मान एक्स वाई जेड का मान, ठीक है, और रूट में बाकी ये जो हम मॉड निकालेंगे वो आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी रहने वाला है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सिंपल सा जैसे हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया ए और बी दे रखा है, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी।
सिंपल सा मेथड है, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा इसमें, एक्स टू माइनस एक्स वन और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा कैप आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन कैप जे, और तीन बिंदु हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जेड टू माइनस जेड वन कैप के। ठीक है, अब एक्स वन वाई वन और जेड वन ऐसे एक्स टू वाई टू जेड टू मान रखना है। एक्स टू का मान हमें दे रखा है माइनस वन, फिर माइनस एक्स वन का मान है हमारे पास प्लस वन, क्लियर है आई। फिर प्लस वाई टू का मान देखेंगे माइनस दो, और इधर हमारे पास कितना है दो, तो माइनस दो रखा वाई टू का मान, फिर माइनस वाई वन का मान भी प्लस दो है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कैप आ जाएगा जे प्लस जेड टू का मान है हमारे पास प्लस वन माइनस जेड वन का मान है माइनस तीन, माइनस तीन और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस तीन। ठीक हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर हम देखें माइनस वन माइनस का टू कैप आई, फिर माइनस टू माइनस फोर, माइनस फोर और बाहर प्लस है माइनस प्लस हो जाएगा माइनस फोर जे, और थ्री प्लस वन बन जाएगा फोर के। ये निकल गया वेक्टर ए बी का मान। अब हमें बताने क्या है, दिक कोसाइन ज्ञात करने हैं। दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए हमें मॉड में ए बी का मान भी चाहिए। इसके लिए सिंपल यहाँ से हम एक्स बराबर कितना मिल जाएगा हमें माइनस दो, और वाई बराबर मिल जाएगा माइनस चार, जेड बराबर मिल जाएगा चार। ठीक है, और मॉड निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मान रखेंगे इधर एक्स का मान बच्चों कितना है माइनस दो, तो माइनस दो का स्क्वायर किया प्लस वाई का मान है माइनस चार, तो माइनस चार का स्क्वायर प्लस जेड का मान है प्लस फोर का स्क्वायर करेंगे। सिंपल देखो, जब हम स्क्वायर कर देंगे माइनस दो का स्क्वायर प्लस चार, फिर प्लस चार का माइनस चार का स्क्वायर करेंगे प्लस सोलह, और चार का स्क्वायर करेंगे सोलह, ये आ जाएगा टोटल कितना 36 रूट में, और हमको पता है 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 6, क्लियर है। अब हमको निकालने क्या है, दिक कोसाइन ज्ञात करने हैं। ठीक हो गया, दिक कोसाइन निकालने का मतलब है सिंपल हमें एल बराबर आ जाएगा हमारा एक्स बट्टे में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का मान कितना माइनस दो, तो माइनस दो बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे कितना निकाला हमने, छः, दो कम दो दो तीन छः, कितना आ गया माइनस का एक बट्टे तीन। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, एल के बाद आ जाएगा हमारा एम, ये आ जाएगा वाई बट्टे में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब वाई का मान बताओ जल्दी से कितना है, माइनस चार बट्टे में कितना आ जाएगा छः, सॉल्व करेंगे दो दून चार दो तीन छः, माइनस का दो बट्टे में तीन। नेक्स्ट देख लेते हैं एन, ये आ जाएगा जेड अपॉन में रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड का मान बच्चों कितना दे रखा हमको, चार बट्टे में हमारे पास छः, सॉल्व करेंगे दो दूनी चार और दो तियाँ छः, कितना आ गया दो बट्टे तीन। यानी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था को मिलाने वाले ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन की याद करनी है, तो दिक कोसाइन क्या क्या आ गया, माइनस का एक बट्टे तीन, माइनस दो बट्टे तीन और प्लस दो बट्टे तीन। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, इसमें हमसे क्या याद करने के लिए कहा है, बोला है दर्शाइए कि सदिश आई कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के अक्षों वाई एक्स कॉमा वाई ओ वाई सॉरी ओ एक्स कॉमा ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। इसके लिए देखो हमको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हम दिक कोसाइन ज्ञात करेंगे और लास्ट में हमको क्या दिखाना है, तीनों के मान बराबर आने चाहिए। तो सिंपल सा मेथड यूज करेंगे हम, यहाँ पे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो जब यहाँ पे हमको बोल रखा है क्वेश्चन में बराबर झुका हुआ है, यानी कोई ना कोई एंगल बनेगा। ठीक है, जहां पर हम लास्ट में क्या ले रहे थे, एल एम एन ले रहे थे, बस वहां पे आ जाएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, बाकी पूरा पूरी जो प्रोसेस है पूरी सेम रहने वाली है। दिक कोसाइन निकालेंगे तो मान लेंगे, माना वेक्टर ए बराबर आ जाएगा आपके पास आई प्लस कैप जे प्लस
कैप के, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या मॉड में वेक्टर है, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो एक्स एक्स का मान हमारा यहाँ से देखो मिल जाएगा एक, गुणांक की तो देखते हैं एक का स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे जे का मान भी, जे के साथ गुणांक कितना है एक और के साथ भी कितना है एक, इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों रूट में तीन, आएगा नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है क्या डिक कोसाइन, और डिक कोसाइन हम अब हमको बोला है कि इतना झुका हुआ है, ठीक है, किसके साथ ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे कि सदिश सदिश जो वेक्टर ए है वो ओ एक्स कॉमा ओ वाई और ओ जेड के साथ क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा और आ जाएगा आपका गामा कोण बनाता है या कोण बनाते हैं, ठीक है। हमने वेक्टर ए देखा, वेक्टर ए से हमने फिर परिमाण निकाल लिया मॉड ए, अब हमको निकालना है दिक कोसाइन। तो यहां पे हम लिख लेंगे दिक कोसाइन वेक्टर ए के दिक कोसाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस अल्फा, देखो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एक्स बट्टे में रूट में, वही सेम प्रोसेस रिपीट रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जैसे हम एल बराबर ले रहे थे ना सेम वही प्रोसेस आ जाएगी इधर। तो यहाँ से अगर हम देखें एक्स का मान एक है, वाई का मान भी एक ही है और जेड का मान भी एक है। तो एक्स का मान रखा एक और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं कितना आ गया रूट तीन, ठीक हो गया। कॉस अल्फा इतना आ गया, फिर ऐसे निकालेंगे हम कॉस बीटा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा वाई बट्टे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई का मान भी एक है इसका मान भी कितना आ जाएगा रूट तीन, और ऐसे ही अल्फा बीटा गामा, ये आपका फिक्स फॉर्मूला है। ये जो है ना यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है कि हमने कॉस ही क्यों लिया साइन क्यों नहीं लिया, तो दिक कोसाइन निकालने का सिंपल सा यही फॉर्मूला है, जब आपके साथ कोण आपको दिया हुआ होगा तो कॉस आएगा, बाकी दिक कोसाइन का फॉर्मूला ये आपका सेम रहने वाला सभी में। बस ध्यान ये रखना है कि जब हमसे बोला है कि बराबर झुका हुआ है तो यानी वहाँ पर कोण बनेगा ही बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ किया है। अदरवाइज हमको सिंपल क्या दे रखे हैं सदिश दे रखे हैं और दिक कोसाइन निकालना है, तो वहाँ पे एल एम और एन का मान निकाल लेना है। ऐसे आ जाएगा आपका जेड अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड का मान भी एक है बट्टे में कितना है रूट तीन। देखो तीनों के मान क्या आ गए बराबर आ गए। अगर हम यहाँ से इस कॉस को शिफ्ट करें तो ये बच्चों बन जाएगा कितना कॉस इनवर्स, देखो यहाँ पर अल्फा बराबर बचेगा कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, ऐसे ही बीटा बराबर बन जाएगा कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, और इधर बन जाएगा गामा कॉस इनवर्स वन अपॉन कितना रूट थ्री, ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें अल्फा बीटा गामा तीनों के मान क्या हैं बराबर है, तो लास्ट लाइन आपने लिख दी है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और यही चीज़ हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखानी थी कि दर्शाइए कि ये जो हमारा सदिश था वो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो यहाँ पर देखो अल्फा बराबर आ गया कॉस, आप चाहे तो उसका मान भी आगे निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहीं छोड़ दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा क्या है तीनों के मान बराबर है, लास्ट लाइन आपने लिख देनी है कहता यह क्या है वेक्टर ए के साथ बराबर जो हमें अक्ष दे रखे हैं ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। अगर आप इसका डायग्राम भी बनाना चाहे तो यह आ जाएगा आपका ओ, ठीक है, यहाँ आप एक्स ले लीजिए वाई ले लीजिए जेड ले लीजिए, तो हम यहाँ पर झुका हुआ है किसके साथ वेक्टर ए के साथ, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा है कि बिंदु P आपको दे रखा है, Q दिया है, को मिलाने वाले रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए।
आपने क्लास 10th में 11th में भी एक विभाजन सूत्र देखा है जहाँ पे हमने यूज किया था एक्स टू मतलब एम वन एक्स टू, ये हमारे अनुपात हो गए एम वन एम टू का मान, ठीक है एम वन एम टू का मान 2:1, 2:1 आ गया। ऐसे ही पी और क्यू दे रखा है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना है बच्चों हमने, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। तो पहले वो फॉर्मूला देखेंगे, तो जब अंतः विभाजित बात करेंगे, ठीक है देखो अंतः के लिए जब फॉर्मूला, यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, जब बात हो रही होगी आपके लिए अंतः अनुपात में विभाजित करने की, ठीक है तो फॉर्मूला जो आपने यूज करना है वो आ जाएगा वेक्टर आर बराबर एम वेक्टर बी, ठीक हो गया, प्लस एन, और आ जाएगा वेक्टर ए अपॉन में आ जाएगा एम प्लस एन। अब देखो एम आपका क्या है 2, एन क्या है 1, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वेक्टर बी और वेक्टर, ये मान आपने डायरेक्ट रख देने हैं, ये तो हो गए किसके लिए अंतः के लिए। अगर हम बात करें बाह्य विभाजन के लिए, तो बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाए। बाह्य के लिए भी आ जाएगा यहाँ पर वेक्टर आर सिंपल एम बी एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर है, सिर्फ साइन क्या हो गया प्लस की जगह माइनस, ठीक है बट्टे में भी आ जाएगा आपका एम माइनस एन। बस इस फॉर्मूले में आपने मान रखना है और ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो नंबर फर्स्ट करके देख लेते हैं, पी हमको दे रखा है और पी जो गिवन है उसका मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पी में हमको जो बिंदु दे रखे हैं इसको हम वेक्टर ए, और या फिर हम सीधा मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लेते हैं। वेक्टर ए जो है वो है हमारे पास आई प्लस 2j माइनस ए, और बी जो गिवन है वेक्टर बी यानी जो दूसरा सदिश हमको है माइनस आई प्लस कैप जे और प्लस कैप के। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो सिंपल अभी ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान और एम और ए का सॉरी एम और एन का मान जो हमें दे रखा है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एम हमें दे रखा है कितना 2 और एन हमको दे रखा है बच्चों कितना 1। क्लियर हो गया। अब जो अंतः हमें निकालना है, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु आर की स्थिति सदिश ज्ञात करनी है, उसमें हम लिख लेते हैं यहाँ पर वेक्टर आर बराबर एम, एम का मान बच्चों कितना हमारे पास 2, ब्रैकेट में किसका मान रखना हमको बी का, इसका वेक्टर बी का मान, वेक्टर बी का मान हम यहाँ पर सीधा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम रखेंगे किसका एन और वेक्टर ए का मान प्लस करके, प्लस एन का मान बच्चों हमारे पास कितना है 1, और आपको पता है कि अगर हम आई और इसमें मल्टीप्लाई करा दें 1 की तो वापस हमें यही मिल जाएगा, तो फिर भी एक स्टेप हम आप यहाँ पर लेके चलते हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है ये हमने मान रख दिया इधर। और इस पूरे के अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा एम प्लस एन यानी 2 प्लस 1, 2 की गुणांतर कराएंगे देखो बन जाएगा माइनस का 2i प्लस 2kj प्लस 2k, ठीक है प्लस 1 की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे वापस वही मिल जाएगा i प्लस 2j माइनस k, इस पूरे का अपॉन में हमारे पास रहेगा 2 प्लस 1 3। अब i वाले को i के साथ जोड़ेंगे, देखो माइनस 2i है इधर प्लस आई बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या माइनस का आई, 2j प्लस 2j बन जाएगा क्या 4j, और कैप लगाना जरूरी है, प्लस 2k माइनस k बचेगा हमारे पास क्या प्लस कैप के, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा कितना हमारे पास 3, ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं 1/3 माइनस का
आई, फिर प्लस फोर अपॉन थ्री कैप जे, प्लस वन अपॉन थ्री कैप के। ठीक है, यही आपका क्या है जो अंतः विभाजन है उसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं अंतः विभाजन, ठीक हो गया। ऐसे ही सेकंड नंबर यहाँ पे हम डाल लेते हैं बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन फॉर्मूला आप ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर, बस सेम उसमें भी ऐसे ही मान हमने रख देना है। तो बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर है, तो आप पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे ट्रैक्ट मान रख करके सॉल्व करेंगे। वेक्टर आर, देखो ये फर्स्ट स्टेप तो आपका ऐसे ही रहेगा, सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो हम सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम और थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। क्लियर, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, बाकी पूरा सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ भी माइनस। तो मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो माइनस का टू आई रहेगा वैसे ही, और प्लस टू जे प्लस टू के, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो को माइनस वन की मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस वही आ जाएगा, बन जाएगा माइनस का आई माइनस का टू जे और प्लस का कैप के, और इस पूरे का अपॉन में दो माइनस एक बचेगा एक। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई वाले को आई के साथ माइनस टू आई और माइनस आई, बन जाएगा माइनस का थ्री आई। क्लियर है, क्या आ गया हमारे पास माइनस का थ्री आई प्लस टू जे, और इधर माइनस टू जे बन जाएगा जीरो जे। ठीक है, आप इसको चाहे तो इधर पूरा ख़त्म कर सकते हैं, या फिर हम एक लाइन और यहाँ पे पढ़ा करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लस टू के प्लस के, बन जाएगा प्लस ठीक है, और पूरे के अपॉन में वन है तो यही आ जाएगा हमारे पास। तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास वह है माइनस का थ्री के बाई प्लस थ्री कैप के। ठीक है, यही हमारा हो गया बाह्य विभाजन। ठीक है, यानी पी क्यू को बाह्य दो अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु आ गया ये। ठीक है, लास्ट वेक्टर आर आप दिखा देंगे, तो यही हमको क्या करना था, निकालना था। क्वेश्चन में हमसे बोला है अंतः बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु आर की स्थिति सदिश ज्ञात करनी है, यानी वेक्टर आर हमको निकालना था। तो अंतः विभाजन के लिए मेन था इसमें फॉर्मूला आपने रखा और सिंपल उसको हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन हमारा 15 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, इसमें कहा है दो बिंदुओं P 2 3 4 और Q आपको दे रखा है 4 1 माइनस 2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो सेम क्लास 10th में था वही फॉर्मूला यहाँ पर आपका लगेगा। मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला बच्चों है वो आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में टू। अब अगर हम बात करें वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो अब यहाँ पर हमको सिर्फ देखो कुछ नहीं करना है, हमें पी और क्यू दो बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सीधा सीधा जो हमको दे रखा है इसी को हम वेक्टर ए और वेक्टर बी बनाएंगे। लिखेंगे दिया है देखो यहाँ पर वेक्टर ए की अगर हम बात करें, इस वाले को हम ए मान के चलेंगे, दो तीन चार है तो ये दो तीन चार जो है ये तो अदिश मात्रक हो जाएंगे, बट अगर हम इसका सदिश बनाएं तो ये बन जाएगा टू कैब आई प्लस थ्री कैब जे प्लस फोर कैब के। ऐसे ही वेक्टर बी आपका बन जाएगा 4i प्लस 1 इंटू जे करेंगे तो वापस आपको j मिल जाएगा, फिर माइनस का 2 कैप k मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सीधे सीधे हमने इनको लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंपल जो हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला है वो उसमें हम मान रखने वाले हैं। वेक्टर a का जो मान है वो हम यहाँ पे रख देते हैं, ये आ गया वेक्टर ए का मान प्लस ये रहा हमारा किसका वेक्टर बी का मान, और इस पूरे का अपॉन बच्चों कितना जाएगा
दो। अब आई वाले को आई के साथ लेंगे तो 2i + 4i बन जाएगा कितना, 6i। 3j + j बन जाएगा 4kj, +4k - 2k तो बन जाएगा +2kk। पूरे के बट्टे में कितना है बच्चों हमारे पास, दो। ऊपर अगर हम देखें हमको कॉमन मिल रहा है क्या, दो कॉमन निकाल सकते हैं इजिली हम इसमें से। तो जब हम दो कॉमन निकालेंगे तो ऊपर बचेगा देखो 3i + 2j + kk, ठीक है, अपॉन में 2, 2 से 2 आपका कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3ky + 2kj + kk। यही हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु निकल करके आ गए किसके, पी और क्यू के। कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। और 17 में बच्चों हमसे कहा है दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए हमको दे रखा है, सदिश दे रखे हैं वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। पहले हमको ये बताना चाहिए समकोण त्रिभुज किस क्या होता है, तो सिंपल सा है, हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, यानी कर्ण का जो आएगा मान, कर्ण स्क्वायर का जो भी मान होगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इन दोनों के मान के बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसमें सिंपली हम पहले क्या निकालेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं, अभी रफ काम कर लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं हम ये ए बी सी, बाकी वो तो भुजाओं को देख करके पता चल जाएगा कौन लंब कौन आधार और कौन कर्ण, क्योंकि आपको पता है कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सिंपल है। तो जो भी सबसे बड़ी भुजा आएगी उसको हम बी सी की जगह पर रख देंगे, ऐसे ही ये और ये। तो फिलहाल अभी हम रफ मान करके चलते हैं कि जो ए है वो हमको दे रखा है यहाँ पर 3i - 4j - 4k, ठीक है, ऐसे ही बी हमको दे रखा है 2i - j और फिर उसके बाद है +k, क्लियर है। सी हमको दे रखा है i - 3j - 5k। सिंपल सा तरीका देखो समकोण त्रिभुज दिखाने का, तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या वेक्टर AC, वेक्टर AC जब हमसे यहाँ पर अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, सदिश दे रखा है, वेक्टर दे रखा है, बट हम क्या निकालेंगे, ये जो भुजा है इसकी AC, इसकी लंबाई निकालने वाले हैं। तो लंबाई निकालने का सिंपल सा मेथड है वेक्टर C - वेक्टर A, किसके लिए, AC के लिए। वेक्टर C का मान रखेंगे यहाँ पे हम, वेक्टर C का मान है हमारे पास i, फिर -3j - 5k, फिर माइनस ब्रैकेट में वेक्टर A का मान रखेंगे, वेक्टर A है आपके पास 3i, फिर है -4j और फिर है -4k, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये देखो बन जाएगा i - 3j - 5k, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस हो जाएगा +4k, ठीक है। i वाले को i के साथ, j j और k k के साथ लेके चलते हैं i, और इधर -3i बन जाएगा माइनस का 2i, -3j + 4j बन जाएगा +j, -5 + 4 बन जाएगा -k, ठीक है। अब इसका हम निकाल लेते हैं मॉड वेक्टर AC, सिंपल है, आपको पता है x²y²z² करेंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर +1 स्क्वायर और ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है, यही तो हम करते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम देखें क्या आ गया हमारे पास, -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं। देखो -2 का स्क्वायर करेंगे +4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और फिर -1 का स्क्वायर करेंगे, ये भी आ जाएगा 1, इसमें रूट में भी आ जाएगा हमारे पास रूट में कितना 6, क्लियर है। आगे देखते हैं, ऐसे अब नेक्स्ट निकालेंगे हम, पहली भुजा हमारी मिल गई और यहाँ से हमको पता है लास्ट में जब हम रखेंगे तो वो रखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं रूट हटाऊँ, यहाँ से अगर इस रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में स्क्वायर आ जाएगा, AC कितना आ गया बच्चों हमारे पास, अब यहाँ से रूट हट चुका है तो ये आपका बचा सिर्फ कितना 6, पहली भुजा हमने निकाल दी है। ऐसे ही हम बाकी की दो भुजाएं निकालेंगे,
एसी के बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं एसी, यानी हमने ये निकाल लिया। अब हम ले लेते हैं एबी, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर एबी करके सॉल्व करते हैं। वेक्टर एबी, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी का मान रखेंगे हम। ए का मान है हमारे पास ऑलरेडी, हम यहाँ पे लिख ही चुके हैं, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी। इसका मान आ गया वेक्टर ए का, माइनस वेक्टर बी का मान रखना है। वेक्टर बी का मान बच्चों हमारे पास है टू आई कैप माइनस जे और प्लस के। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो थ्री आई, थोड़ा सा चलो इसको शॉर्ट में कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। देखो ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का टू आई प्लस का थ्री आई बन जाएगा प्लस का आई कैप, माइनस माइनस प्लस जे बन जाएगा माइनस फोर जे, में से प्लस जे जाएगा बचेगा माइनस थ्री जे, फिर माइनस फोर का इधर प्लस माइनस माइनस के बन जाएगा माइनस का फाइव के, ठीक है। अब इसका हम कर देते हैं क्या, वेक्टर मॉड ए बी, तो एक का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस माइनस पाँच का स्क्वायर। इसमें रूट में आपको पता है कि मॉड में वेक्टर ए भी निकालते हैं तो रूट आ जाता है हमारा, एक का स्क्वायर करेंगे एक, तीन का स्क्वायर करेंगे नौ, पाँच का स्क्वायर करेंगे पच्चीस, तो ये आ जाएगा टोटल। अगर हम इसको जोड़ेंगे पच्चीस और नौ आपका हो जाएगा चौंतीस प्लस एक पैंतीस, रूट में पैंतीस आ गया, बट हमको चाहिए स्क्वायर तो हम रूट हटाएंगे, क्या लगा देंगे इधर स्क्वायर, ठीक है। ये हमको मिल गया किसका मान, वेक्टर ए बी का मान। ऐसे हम निकालेंगे हम किसका, ए सी का मान, सॉरी ए सी का निकाल चुके हैं, अब बचा हमारा क्या बी सी। तो हम लिख लेते हैं वेक्टर बी सी। अब बी का मान हमारे पास ये रहा, इसको हम ले चलते हैं इधर, और पहले हमारा आएगा किसका मान, सी का मान, ठीक है। आगे भी पीछे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया क्या, जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या रखा था, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए किया था, ऐसे ही हमने यहाँ पर कर लेना है क्या, वेक्टर यहाँ पे हमने किया क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर हम करेंगे वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, क्योंकि जब उसको हम स्क्वायर रूट में ले जाएंगे मतलब अंदर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही बन जाएगा, बट आपने ध्यान रखना है यहाँ पर इस बी को आगे ले लेना है, माइनस वेक्टर ए करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर मतलब 35 आएगा, बट इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पे हम वेक्टर सी का मान रखेंगे, वेक्टर सी जो है यहाँ पे अभी हम लोग को लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आई है हमारे पास माइनस थ्री जे है, उसके बाद माइनस फाइव के, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया किसका मान, सी का मान माइनस, अब रखना हमको किसका, इस ए की जगह पर क्या जाएगा बच्चों, बी, बी का मान है हमारे पास टू आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखो ब्रैकेट ओपन करके ये माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो ये जो माइनस है जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, टू आई माइनस टू आई, तो बन जाएगा माइनस का थ्री आई, सॉरी माइनस का थ्री आई नहीं बनेगा, प्लस का आई है और माइनस का टू आई, बन जाएगा माइनस का आई, फिर माइनस थ्री जे और प्लस जे बन जाएगा माइनस टू जे, माइनस फाइव के और माइनस के बन जाएगा माइनस का सिक्स के, ठीक हो गया। देख लेते हैं ये आ जाएगा, अब यहाँ से हम इसका अगर मॉड निकालें रूट में आ जाएगा, देखो माइनस एक का स्क्वायर फिर आ जाएगा प्लस माइनस दो स्क्वायर फिर प्लस माइनस छ का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, एक, दो का स्क्वायर करेंगे चार, छः का स्क्वायर करेंगे छत्तीस, छत्तीस चार हो जाएगा चालीस, और रूट के अंदर कितना आ गया बच्चों इकतालीस, और ये आ गया किसका मान, मॉड में
वेक्टर बी सी, रूट हटेगा क्या लग जाएगा स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 41, यानी बी सी का मान आया 41, बी सी ये रहा 41, ए बी का मान आया, और ये देखो रूट में खाली बी सी का मान, क्योंकि देखो बी सी का मान आया आपको रूट 41, ऐसे ही बात करें ए बी का मान आया, ए बी आया रूट 35, और ये हमारे पास कितना रूट में 6, ये आया था। एक बार यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देखो ए सी आया आपका 46। अब हमको दिखाना है क्या समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, यदि ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारा बी सी, यानी वेक्टर बी सी का जो वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं यानी वेक्टर ए बी के वर्ग प्लस वेक्टर ए सी के वर्ग के बराबर आना चाहिए। बी सी है जो हमारे पास कितना है 41 है, ए बी का मान निकाला हमने 35, मतलब स्क्वायर जब करेंगे तो 35 ही आएगा, प्लस ए सी का ए सी स्क्वायर का मान था 6, तो 41 इक्वल टू 35 प्लस 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ए, अतः ए बी सी क्या है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा होता है बच्चों कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई क्वेश्चन कोई डाउट अगर आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज दिखानी है, देखो त्रिभुज है हमारा और कोई भी त्रिभुज क्या है ए, इसको हम लिख सकते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ठीक है ध्यान से देखना आप, सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी वेक्टर ए भी आ गया, बाकी हम लंब और आधार आगे पीछे कर सकते हैं, लंब आप ले लीजिए वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर ए, यानी ये हमारी क्या हो गई त्रिभुज की भुजाएं हो गई, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहता है, अब हमको ये बताना है इन चारों में से कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है, सिर्फ एक हमको बताना है कौन सा कथन क्या है सत्य है। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, आप वेक्टर ए बी को यदि वेक्टर बी ए लिखना चाहते हैं तो तब आप सामने एक चिन्ह लगा देते हैं माइनस का, मान लो सी ए है, सी ए को अगर आप मान लो ए सी है, वेक्टर में क्या है ए सी है, ए सी को अगर आप सी ए लिखना चाहते हैं तो सामने क्या आ जाएगा चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो हम इसी से इक्वेशन बना सकते हैं, प्लस ए बी है बराबर के उधर जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा ये ए बी रहा प्लस ए बी यहाँ पर आएगा ए सी, सबसे बड़ी भुजा देखो क्या है ए सी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर में ए सी, तो देखो प्लस ए सी है बराबर किधर आएगा माइनस का ए सी बन जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा जीरो, क्या ये इक्वेशन है हमारे पास बी सी ए बी माइनस ए सी, देखो बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी, यानी ये कथन सत्य है। फिर इसी को अगर हम देखें इस ए सी को, इस ए सी को अगर मैं चेंज कर दूँ किसमें सी ए में, इसी ए सी को सी ए में चेंज कर दूँ तो माइनस एक पहले से ही है और एक जब हम चेंज करेंगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, यानी ये प्लस बन गया। अब तीनों प्लस में है क्या हमारे पास, देखो ए बी प्लस में, बी सी प्लस में, सी ए प्लस में, तीनों प्लस में, यानी ये कथन भी सत्य है। फिर इन्होंने क्या किया है, देखो सी ए अभी माइनस वाला है, सी ए माइनस में, बट अभी हमने देखा कि जब हम इसको सी ए में चेंज कर रहे हैं तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया था यहाँ पे प्लस बन गया था, बना था ना, तभी तो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो हमारी सही हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो तीसरा वाला कथन है वो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इधर हमारे पास क्या है ए सी है, जब हम इसको चेंज करेंगे सी ए में तो ये माइनस में आएगा बराबर के इस साइड, बट जब हम इसको बराबर की इधर लेके जाएंगे प्लस में बन जाएगा, बट इन्होंने बराबर की इधर किसमें दिखा रखा माइनस में, कथन असत्य हो जाएगा। अब हम तीसरा देख चौथा देख लेते हैं, ए बी प्लस में ठीक है, सी ए भी प्लस में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने सही दिखाया, अब यहाँ पे जो हमारा क्या है बी सी होना चाहिए प्लस में, तो इन्होंने दिखा रखा है किसमें माइनस में, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया अगर वेक्टर बी सी है इसको अगर सी ए लिखना है या सी बी लिखना है तो सामने चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी ये वाला कथन भी हमारा क्या है सत्य है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो चुका बच्चों कंप्लीट।
लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 19, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पीछे हमने देखा था संरेख कब होगा, कोई भी दो सदिश या कोई भी दो वेक्टर कब सदिश होंगे, ठीक है, तो संरेख होंगे, ठीक है। इसमें हमको संरेख बताना है, यानी कोई भी दो सदिश कब संरेख होंगे, जब कंडीशन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमने देख लिया, हम यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर ए को आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ भी ये संरेख होंगे, यहाँ भी संरेख होंगे। और इसके अलावा वेक्टर ए लैम्डा का मान, मान लो जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो हम ए कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो तब उस कंडीशन में प्लस माइनस बन जाता है हमारे पास वेक्टर बी। इस कंडीशन में भी हो सकता है वेक्टर बी बराबर प्लस माइनस वेक्टर ए, इस कंडीशन में भी संरेख होंगे, यहाँ भी संरेख होंगे। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था पीछे, जब हमारा आया था संरेख दिखाने के लिए, तब मैंने आपको बताया था कि जो ए या बी है वो क्या होने चाहिए, किस में होने चाहिए, अनुपातिक होने चाहिए, ठीक है, समानुपात में होने चाहिए। मान लो ये आई है, ये जे है, और ये मान लो के है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू आई प्लस टू जे प्लस टू के, ठीक है। अगर देखेंगे सदिश क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, बट जब हम इसको दिखाना चाहें से देखें, यहाँ से हम दो कॉमन निकालेंगे, देखो आई जे के बन जाएगा इधर, तो समानुपातिक होने चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें, पहला वाला जो कथन है वो सही है हमारा, दूसरा वाला कथन भी क्या है, सही है, तीसरा वाला कथन समानुपातिक। इसमें बोले वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक क्या है, समानुपातिक नहीं है, ठीक है, यानी ये वाला भी सही चल जाएगा। बट डी वाला क्या है, दोनों सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समानुपातिक हैं या नहीं है, ये भी चल जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे आ गया, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जब कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो हम प्लस माइनस वन ले सकते हैं, वन ले निकाल सकते हैं, तो वही चीज़ हमें यार इसमें आ जाएगी, समानुपातिक नहीं है तब भी चल जाएगा। बट डी नंबर जो है, दोनों सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा क्या है, समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। तो यहाँ ये चीज़ जरूरी नहीं है, ये समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, विभिन्न हो भी सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कथन डी है बच्चों वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी नंबर सही नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 10.2 हो चुकी है कम्प्लीट। आई होप बच्चों आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।